तो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं आज की, मतलब कल जो एक्सपायरी है उसकी क्या रेंज रहेगी, क्या हम प्लान कर सकते हैं, कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और जो लोग भी नए हैं वो लोग यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ें मिलेंगी रिलेटेबल। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल नए हों, ऑप्शन सेलिंग अभी स्टार्ट कर रहे हों, वो लोग ये ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास की वीडियो देख सकते हैं। ये 5 वीडियोज़ हैं, वन बाई वन देखना प्लीज़। ठीक है, तो वन बाई वन मैंने जो भी बेसिक्स थे, जैसे भी चीज़ें बता सकता था उसमें बताई हैं मैंने। ठीक है, और ये अपना थीटा गेनर्स का टेलीग्राम चैनल है, तो जो लोग भी ट्रेड्स फॉलो कर रहे हो या फिर ट्रेड देख रहे हो, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट वगैरह ये सारी बताता रहता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, थीटा गेंस का टेलीग्राम है। लगभग 27,000 लोग हैं, अपना एक ही चैनल है ये सिर्फ। ठीक है, दूसरा कोई चैनल नहीं है। तो मैंने अक्टूबर की ट्रेड बना ली है, मैं आपको वो डाल दूंगा। ठीक है, यहीं टेलीग्राम पर डालूंगा, आप सब लोग यहाँ पर ट्रेड देख सकते हो। ट्रेड मैंने एक्चुअली शायद डाल दी है। ठीक है, ओपन। ठीक है, तो ये देखो ट्रेड अभी चालू है। ये ट्रेड मैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को फॉलो कर सकते हो। ये अपना सर्च करोगे टेलीग्राम, और उसमें आपको जहाँ पे भी 27,000 लोग मेंबर्स मिलेंगे वही अपना चैनल है, तो वहाँ पे ज्वाइन करोगे। आपको ये जो ट्रेड मैंने डाली है वो अक्टूबर की है इस बार। ठीक है, क्योंकि अपनी ये वाली ट्रेड मैंने क्लोज कर दी थी कल। ठीक है, ये वाली, ये सितंबर की ट्रेड थी, सितंबर और अक्टूबर के कैलेंडर, तो वो ट्रेड क्लोज हो गई है। एडजस्टमेंट वगैरह सब मैंने इसी में बताए हुए हैं सारे, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगली ट्रेड मैंने अक्टूबर की डाल दी है, अब उसको आगे हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इस एक्सपायरी की रेंज देखते हैं हम। ठीक है, तो ये 1 आवर का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, एंड ओके। तो अभी देखो, अभी ये जो है ये अपना लो है आज का। ठीक है, और ये आज का लो हमने बनाया है 185 के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया आज का अपना लो, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मान लो इसके नीचे मार्केट गया ना, इसके नीचे मार्केट गया तो मार्केट के पास फिर डायरेक्टली यहाँ आने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टली 11,100 आने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है वो 194 है। ओके, और अप साइड में जहाँ पे मंडे के दिन मार्केट ने लो बनाया था, उसके ऊपर जाना मार्केट को टफ पड़ेगा काफ़ी। ठीक है, तो चार्ट वाइज ऐसा लग रहा है कि रेंज यहीं पे है, इतने में ही, ज़्यादा कोई मूवमेंट है नहीं, यही इतनी रेंज है। और मेरे हिसाब से तो मे बी ये, ठीक है, बट एक बार फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। ओआई देखते हैं, ओआई में क्या है। तो ओआई निफ्टी का 10 सितंबर का, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा है ये। ठीक है, तो देखो अभी 10 सितंबर में मैक्स पेन दिखा रहा है 11,300 पे, 11,300 पे मैक्स पेन है। ओके, एंड अगर मैं नीचे देखूँ चेंज इन ओआई, तो आज चेंज इन ओआई में आप क्लियरली देख सकते हो कि हु इज डोमिनेंट। ओ आई बिल्डअप किधर हो रहा है? ओ आई बिल्डअप कॉल साइड में हो रहा है, एंड अनवाइंडिंग इज हैपनिंग इन द पुट साइड। और कौन कौन से स्ट्राइक्स पे हो रहा है? 300, 400, 350, 400 एंड 450। दैट मीन्स क्रॉसिंग 350, और यू कैन से 400 इज वेरी रेयर इन द अप साइड। तो दैट मीन्स कि अप साइड इज ऑलमोस्ट हियर अराउंड 350, लाइक दिस हियर। ओके, और डाउन साइड में अगर हम देखें, तो डाउन साइड में इफ वी आर एट 10,200, एंड अदर देन दैट इट इज डायरेक्टली 1,100। दैट मीन्स कि आप चाहो तो अप साइड में जाते टाइम कॉल की शॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, और मार्केट को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है। ठीक है, थोड़े से वॉलेटिलिटी के चक्कर में क्या हो रहा है कि मार्केट वन साइडेड मूव्स भी कभी भी दे सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मार्केट ट्राई करता है ऊपर को जाने का, फिर धड़ाम से नीचे, फिर ट्राई करता है ऊपर जाने का। देखो उसने पूरा ट्राई किया था ये एरिया में, देखो 1-1 आवर की कितनी सारी कैंडल उसने ग्रीन बनाई थी, बट एट द एंड व्हाट हैपेंड, बड़े बड़े रेड बने और पूरा इसका वैल्यू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे मार्केट के ऊपर जाने से। अभी आज देखो मार्केट गैप डाउन खुला है, क्योंकि डाउ जोन्स काफ़ी नीचे था। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग तक में डाउ जोन्स ने रिकवर कर लिया, यूएस फ्यूचर रिकवर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हमारा मार्केट अप डाउन, और फिर से देखो ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की। तो इट इज़ टफ, इट इज़ टफ कि मार्केट ऊपर ऐसा वन वे में चला जाए इस बार। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा फिर सेलर्स आएंगे, फिर ऊपर जाएगा फिर सेलर्स आएंगे, तो दैट मीन्स मार्केट अगर ऊपर गया तो मार्केट के फंसने के चांसेज हैं, स्मूथ रैली नहीं हो पाएगी। ठीक है,
तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपने आपको स्ट्रडल बेचना पसंद है या फिर कुछ है तो आप उन पे जा सकते हो, बट विद स्ट्रिक्ट SL, ठीक है? आपको बात समझ में आ रही है? तो 350 के अराउंड अपसाइड में रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, और नीचे 190 तो है ही। तो दिस विल बी रेंज टू टारगेट बाई द चार्ट एंड OI, ठीक है? अब थोड़ा मैक्स पेन पे आते हैं। देखो, ये निफ्टी का मैक्स पेन है 10 सितंबर का। मैक्स पेन में आपको क्या दिख रहा है? मैक्स पेन में मुझे देखो, स्टीप है कॉल साइड की, मतलब प्रेशर है थोड़ा सा कॉल साइड से, बट पुट साइड भी कम नहीं है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि इससे हो क्या सकता है कि मे बी निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर रहा है, निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर रहा है। बट अगर मैं सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए देखूँ तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए आई कांट से। बैंक निफ्टी देखो क्या है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपसाइड से, 22400 का पेन लेवल है, ठीक है? और बैंक निफ्टी में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में मैं नॉन डायरेक्शनल टारगेट करूँगा, नॉन डायरेक्शनल चीज़ दोनों साइड से बेचने का ट्राई कर सकता हूँ विद SL। फिर मार्केट जिधर को जाएगी उधर मैं फॉलो कर लूँगा। और ये चीज़ याद रखना कि अगर आपने पुट सेल किया है, ठीक है, कभी भी, तो ये आपकी ज़िंदगी की बाउंड्री लाइन समझना, क्योंकि इसके नीचे मार्केट गया तो फास्ट मूव आ सकता है, ठीक है? ऊपर की तरफ मार्केट के फास्ट वन वे मूव आने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ OI, मैक्स पेन, जहाँ पे भी देखें हर जगह से। बट डाउन साइड में फास्ट जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपको कोई डाउन ट्रेड मिले, डाउन साइड में मतलब कॉल सेल का ट्रेड मिले, तो आप आराम से ले सकते हो उसको, ये याद रखना, ठीक है? कॉल साइड सपोर्टेड है मार्केट अभी, कॉल सेल में। बैंक निफ्टी में सेम प्रोसेस। आज आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, देखो निफ्टी का चार्ट अपसाइड है, बैंक निफ्टी का चार्ट डाउन साइड है। मार्केट ओपन होते से ही गिरी, एट द एंड थोड़ा सा कवर अप करने का ट्राई किया, ठीक है? बट फिर भी देखो, 1 आवर का चार्ट है, फिर भी अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया था, ये वाला जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था अपसाइड को, 22400, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ना मार्केट का, तो अब ये वाला एरिया, ये अब काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस प्रूव होगा, ये वाला अब ऊपर जाने के लिए। और नीचे आपको सपोर्ट पता है इसके पास कहाँ है, पहला सपोर्ट ये रहा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी की जहाँ तक रेंज देखी जाएगी वो यहाँ पे इतनी ही बनेगी, ठीक है? बट बैंक निफ्टी में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ याद रखना कि बैंक निफ्टी में भी कॉल सेलिंग में ही ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के, ठीक है? बट मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है। देखो मैं आपको बताऊँ, मार्केट अप डाउन, तो हो सकता है मार्केट इस एरिया में थोड़े दिन टाइम पास करे। तो अगर आप चाहो तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो कल के लिए। नॉन डायरेक्शनल मतलब बोथ साइड सेलिंग, डोंट गो डायरेक्शनल, ठीक है? और डायरेक्शनल जाना भी है तो किधर जाना है, डायरेक्शनल जाओ भी तो किधर, कॉल सेलिंग की साइड में अगर जाना भी है तो। बट फॉलो अप में, जब मार्केट फॉलो अप में नीचे को जाए तो कॉल सेलिंग कर सकते हो आप आराम से, ठीक है? और जिन लोगों को पहले प्रॉब्लम थी कि ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट नहीं आता है, तो देखो ट्रेडिंग व्यू पे फ्यूचर के चार्ट आ गए हैं, जहाँ पे अब आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो कि ये जो एरियाज हैं, ये 350 एंड ऑल, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ऊपर की तरफ मार्केट जब जाएगा तो स्लोली जाएगा, ठीक है? और नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट आ सकती है। बट कल के लिए माई व्यू इज नॉन डायरेक्शनल, मैं उसी हिसाब से ट्रेड करूंगा, एंड देन जिधर को भी मार्केट फॉलो होगी उधर को फॉलो करने लगूंगा। बट आई एल बी ट्राइंग कि 1:30 के तक, 1:30 PM तक मैं नॉर्मली दोनों सेल करूं और उसके प्रीमियम ले सकूं, क्योंकि प्रीमियम थोड़े से ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरे प्रीमियम नहीं है, बट प्रीमियम्स आर ओके, ठीक है? और US 30 का फ्यूचर देखो खुद को संभाल रहा है, बट आई कांट से कि कब तक संभालेगा, ठीक है? तो देखते हैं जब मार्केट ओपन होती है US फ्यूचर्स भी, तब देखी जाएगी क्या होता है, ठीक है? बट निफ्टी बाई द मैक्स पेन, OI एंड OI सब कुछ से थोड़ा सा साइडवेज व्यू है, बट प्रेशर है डाउन साइड में। बैंक निफ्टी में प्रेशर डाउन साइड ज़्यादा है, कॉल साइड से प्रेशर ज़्यादा है, तो मार्केट दब रही है नीचे की तरफ को, ठीक है? गुड, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है। ट्राई करना कि ज़्यादा हाथ मत डालना डायरेक्शनल में, और विदाउट SL तो बिल्कुल भी नहीं, अभी का टाइम नहीं है मार्केट का विदाउट SL वाला, ये याद रखना। ट्राई करो कि हेजिंग टेक्निक्स के साथ यूज करो, आयरन फ्लाई बनाओ, मार्केट को ज़्यादा पैसे मत दो, ठीक है? मार्केट को ज़्यादा पैसे मत दो लॉस में। तो अगर आप 1-1 लॉट के आयरन फ्लाई बनाओगे, आप कुछ खास
पेमेंट नहीं करने वाले हो लॉस में। ओके ठीक है ठीक है, कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है। हाँ ठीक है, और मैं अभी अक्टूबर वाली जो ट्रेड है वो इसमें डाल दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से। ठीक है, ट्रेडर गेनर्स के जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें आपको अक्टूबर की ये वाली ट्रेड मैं डाल दूंगा। मैंने देखो क्या किया है, मैंने अक्टूबर की ट्रेड डाली है 29 अक्टूबर की, और उसमें मैंने लगभग कॉल साइड से 12,100 बेचा और नीचे की तरफ से लगभग 10,000 बेचा है। ये ट्रेड मैं थोड़ा लंबे तक खींचूंगा, आई एम ट्राइंग टू गेट अराउंड 3-4% इस बार इस वाली ट्रेड से। ठीक है, तो मैं आपको ये बार इस बार ये भी दिखाऊंगा कि हाउ टू गेट 3-4% डायरेक्टली विद वन ट्रेड। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारा कैसे बता सकता हूँ, सारे एडजस्टमेंट। अभी तक मैंने सारे ट्रेड ऐसे ही शेयर किए हैं जिसमें टेलीग्राम पे आप जितने लोग हो आप वो लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं जब ट्रेड डालता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ कि ट्रेड में अब क्या किया, अब क्या किया, अब क्या किया, तो आपको धीरे धीरे एडजस्टमेंट समझ में आने लगेंगे। जैसे मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, अगर आपने ना देखा हो तो पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, बट सच बताऊं ये वीडियो हाउ टू हैंडल वॉलेटिलिटी एंड हाउ हेजिंग वर्क्स, इन दोनों वीडियो को कभी एक साथ देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं बता रहा हूँ, डोंट फोकस किसी भी एक वीडियो को, हमेशा ये मत समझो कि वो क्या है, वो हर नई स्ट्रेटजी के हिसाब से वीडियो को मत देखो। कभी कभी ट्राई करो कि वीडियोज़ को मैच करके देखो। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियोज़ को मैच करके देखो, मतलब इस वीडियो को इसके साथ मैच करो, क्या क्या मैंने बताया है, ऐसे करके आप खुद नई स्ट्रेटजी बना सकते हो। कई लोग ट्राई करते हैं, बट अगर आप हर वीडियो को जाके ऐसे देखोगे ना कि हर वीडियो एक नया स्ट्रेटजी है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं वीडियो के ऊपर टॉपिक डाल दूंगा, इंट्राडे न्यू स्ट्रेटजी, इंट्राडे एडवांस स्ट्रेटजी, कुछ नहीं होने वाला उससे। सब कुछ बेसिक्स से ही स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ ट्राई, ये हाउ टू हैंडल स्ट्रेटजी वाला, ये वाला जो वीडियो था ना, इट इज़ वेरी गुड। जब मार्केट गिर रही होती है ना, तब आप इससे अपना बहुत बार लॉस बचा सकते हो, ये याद रखना। एंड ये वाली जो थी, ये वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वॉलेटिलिटी को हैंडल कैसे करते हैं विद इन अ ट्रेड। तो प्लीज़ ट्राई करो कि एक थॉट प्रोसेस की वजह से वीडियो देखो। कभी भी वीडियो इसलिए मत देखो कि उस वीडियो में कोई किसी ने आपको ऐसी बड़ी स्ट्रेटजी बताई होगी। ठीक है, मेरा मोटिव ये कभी भी नहीं था, मैंने कभी भी ऐसे वीडियोज नहीं बनाए कि 1,000 का 1 लाख बनाओ, कुछ नहीं होने वाला इससे। ठीक है, तो इनको थोड़ा मिक्स करके देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है गाइज, तो थैंक यू। अभी मैं फ्राइडे को वीडियो बनाऊंगा, मे बी इंट्राडे के ऊपर आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो फ्राइडे को मिलते हैं, फ्राइडे को वीडियो बनेगा, फेस वाला होगा वो। ओके एंड प्लीज़ गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट मेरे चैनल का, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और थीटा गेनर्स ज्वाइन करो, ट्रेड वगैरह यहाँ पे सब कुछ एडजस्टमेंट मिल जाएगा आपको। ओके सो बाय बाय, थैंक यू।